जितने भी पेरेंट्स और बच्चे नए हैं इस चैनल पे, तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। नाउ आप अपने लेसन को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूनिट 9 मुल्ला नसरुद्दीन। सो एक्टिविटी 1 शुरू करते हैं, जिसमें कुछ पजल काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। नीचे आप देख सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स आपस में बातें कर रहे हैं। सो पहले ये पढ़ते हैं, कौन सा पजल है। आई एम ए 7 लेटर वेजिटेबल, मैं 7 अक्षरों वाला वेजिटेबल हूँ, मतलब मेरा स्पेलिंग में 7 लेटर्स है। माय फर्स्ट 3 लेटर्स आर ए व्हीकल, मतलब मेरे पहले 3 लेटर्स व्हीकल से रिलेटेड हैं। द नेक्स्ट 3 लेटर्स आर अ टाइप ऑफ लगेज, बाकी के 3 लेटर्स लगेज के रिलेटेड हैं। एंड माई लास्ट 3 लेटर्स चेंज एवरी ईयर, है तो इसमें से कोई भी एक। बच्चों जरा दिमाग लगाइए, यस ये हो सकता है। सो योर आंसर विल बी कैबेज। सबसे पहले उसके जो पहले 3 लेटर्स है वो है कैब, कैब एक व्हीकल होता है। दूसरा बैग, रिलेटेड टू लगेज होता है। और तीसरा एवरी ईयर जो सबका चेंज होता है वो है एज, उम्र। सो ये है बच्चों कैबेज, ये पजल था। आइए चलिए नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। Let's read. What 11 letter word does everyone pronounce incorrectly? Oh ho, ऐसा कौन सा 11 letter का word है जो सारे के सारे लोग, जो सब लोग incorrectly ही pronounce करते हैं? The answer is in the question. Answer question के अंदर है। Pronounce incorrectly ये दो ही words हैं, तो maybe ये incorrectly आ सकता है। Yes, the answer is incorrectly बच्चों। आइए चलिए next puzzle solve करते हैं। Everyone has me, but nobody can lose me. मैं सबके पास हूं लेकिन मुझे कोई भी लूज नहीं, मतलब खो नहीं सकता है। इट ऑलवेज फॉलोज मी इन लाइट, लाइट में मुझे फॉलो करता रहता है, बट इट डिसअपीयर्स इन डार्कनेस, रात में ये डिसअपीयर हो जाता है। तो कौन है? शैडो। देखिए आप शैडो, जहां जहां चलोगे वहां वहां शैडो, रात में नो लाइट नो शैडो। आइए चलिए आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, एक्टिविटी 2। हियर आर हिलेरियस मुल्ला नसरुद्दीन स्टोरीज। यस, यहां पर इस चैप्टर में काफी सारी मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर स्टोरीज है जो आप यूट्यूब में सुने होंगे आपने। चलिए शुरू करते हैं। वंस मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लाइंग ऑन हिज बेड विथ हिज आईज क्लोज्ड व्हेन हिज ब्रदर इन लॉ अप्रोच्ड हिम। एक दिन ये मुल्ला ऐसे सो रहा था बैठे बैठे, और इसका ब्रदर इन लॉ आके उसको उठाता है और पूछता है, आर यू असलीप, क्या तुम सो रहे हो? द ब्रदर इन लॉ आस्क्ड नसरुद्दीन, ब्रदर इन लॉ ने नसरुद्दीन को पूछा, भाई तू सो रहा है क्या? नसरुद्दीन रिप्लाइड, वाई वॉज इज इट, क्या हुआ भाई क्या है? द ब्रदर इन लॉ सेड, आई वॉन्टेड अ लोन ऑफ 300 रुपीज। ब्रदर इन लॉ ने 300 रुपीज की लोन मांगी। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड लैंड मी द मनी, नसरुद्दीन रिप्लाइड, ओ इन दैट केस लेट अस रिटर्न टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू अस्लीप, एंड द आंसर इज येस आई एम अस्लीप, सो गो अवे एंड डू नॉट बोदर मी। सो एक्चुअली नसरुद्दीन ऐसे ही सो रहा था और वो आके उसे पूछता है, क्या 300 रुपए हैं क्या तुम्हारे पास, जरा मुझे उधार देना। नसरुद्दीन सोच में पड़ गया और पूछा, क्या 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 पूछा तूने, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, तुम सो रहे हो ऐसा पूछा ना? हाँ हाँ मैं सो रहा हूँ, जाओ डिस्टर्ब मत करो, जाओ अपना काम करो जाओ। उसने नाटक किया सोने का, क्योंकि उसको पैसे नहीं देने थे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया कि मेरे पास 300 रुपए है या नहीं। सो इफ यू वर मुल्ला नसरुद्दीन, व्हाट आंसर वुड यू गिव टू द ब्रदर इन लॉ? अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन होते और ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती तो आपका आंसर क्या होता? शेयर द आंसर्स विथ योर क्लासमेट, आपका आंसर अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। सो यहाँ पर मैंने लिखा है, इफ आई वर मुल्ला नसरुद्दीन आई वुड प्रिटेंड टू बी अ डेफ, मैं डेफ बन जाता। आई वुड टेल हिम दैट आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, मैं बहरा बनने का नाटक करता और मैं बोलता उसको, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तू क्या बोल रहा है, और इस तरीके से मैं उसकी बात को टाल देता। आइए चलिए एक्टिविटी 3 की तरफ, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन उसके नेबर के साथ बातें कर रहा था। द नेबर लुक्ड वेरी मिसरेबल, नेबर कैसा दिख रहा था? मिसरेबल का मतलब है वेरी अनहैप्पी, थोड़ा दुखी दुखी सा लग रहा था। नसरुद्दीन आस्क्ड हिम व्हाट वॉज बोदरिंग हिम, सो क्या हुआ? नसरुद्दीन ने उसको पूछा, भाई क्या हुआ? बोदरिंग का मतलब है तू अपसेट क्यों हो भाई मेरे, बताओ तुम रीजन। The man started to complain about the lack of space in his house and said, "It is such a small house." मुल्ला, अब ये जो man था वो थोड़ा क्या था, उसे complain करने लगा। मुल्ला क्या बताऊँ, मेरा घर बहुत ही छोटा है, बराबर है, और मेरे घर में मुझे रहने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। यहाँ पर एक word है lack,
लैक का मतलब है नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, मेरे घर में इनफ स्पेस नहीं रहने के लिए। यहाँ पर उसने आगे कहता है कि माई वाइफ, माई थ्री चिल्ड्रन, माई मदर इन लॉ एंड आई ऑल हैव टू लिव टूगेदर इन द सेम लिटिल हाउस। सो ये भाई साहब बोल रहे हैं, मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे तीन बच्चे हैं और मेरी सासू माँ है, मतलब मदर इन लॉ है। सो हम सब इतने छोटे से मकान में रह रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। सो मुल्ला बोल रहा है, यार इतने छोटे से कॉटेज में तो कौन रहेगा यार, बहुत ही छोटा सा घर है मेरा। इट इज़ वेरी क्रैम्प्ड एंड देर इज हार्डली एनी स्पेस टू मूव अराउंड। क्रैम्प्ड का मतलब है यहाँ पर बच्चों अ सडन पेन इन बॉडी मसल्स, अरे यार घूमने तक की जगह नहीं मिलती घर में, बोलो। और हार्डली थोड़ी सी स्पेस बचती है यहाँ वहाँ मुड़ने के लिए। ही आस्क्ड नसरुद्दीन फॉर सम एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। उसने नसरुद्दीन को पूछा, अरे यार बताना इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। सो नसरुद्दीन ने कहा, डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड? यस 10 ऑफ देम, रिप्लाइड द मैन। नसरुद्दीन ने पूछा, तेरे घर में और तेरे यार्ड में मतलब ये वाले बच्चे हैं चिकन्स? तो उसने कहा, हाँ हाँ है ना, 10 के आसपास है। गुड, ब्रिंग देम इनसाइड द हाउस एंड कीप देम देयर। नसरुद्दीन ने कहा, एक काम कर, इस सबको अपने घर में जाके रख दे। बट मुल्ला, द मैन एक्सक्लेम्ड, माई हाउस इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। अब वो बोलता है, अरे मुल्ला क्या यार, इनको मेरे घर में कैसे डालूं, मेरा घर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, सब लोगों से भरा पड़ा हुआ है, जगह ही नहीं है। सो नसरुद्दीन ने रिप्लाइड किया, जस्ट डू एज आई से, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। द मैन वॉज रियली वेरी ट्रबल्ड एंड वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। अभी जो आदमी था बहुत ही कंफ्यूज था, परेशानी उसको बहुत हो रही थी, उसको सोल्यूशन चाहिए थे उसके प्रॉब्लम का। ही डिसाइडेड टू गिव द मुल्लाज एडवाइस अ ट्राई। उसने सोचा कि यार मुल्ला की जो एडवाइस है चलो ट्राई करता हूं। सो द मैन वेंट होम एंड ब्रॉट ऑल द चिकन्स इन टू द हाउस। घर पे गया, सारे चिकन अपने घर में डाल दिए। नेक्स्ट डे ही वेंट टू मीट नसरुद्दीन अगेन। नसरुद्दीन को दूसरे दिन मिलने गया। ही सेड, मुल्ला आई फॉलोड योर एडवाइस एंड टुक द चिकन्स इन टू द हाउस बट इट डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग, इन फैक्ट इट हैज मेड मैटर्स वर्स, माई हाउस इज इवन मोर क्रैम्प्ड नाउ। वो दूसरे दिन आके मुल्ला के ऊपर चिल्ला रहे, अरे मुल्ला क्या किया तुमने, मैंने तेरी एडवाइस को फॉलो किया, सारे चिकन्स को घर में रख दिया बट मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई, इन फैक्ट हुआ यूं कि और भी बदतर हालत हो गई, मेरा घर और भी गिचो गिच हो गया, अब हिलने की भी जगह नहीं मिल रही। सो नसरुद्दीन बोलता है, आई सी, पता है मुझे भाई, पता है। नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड योर हाउस। द मैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ दिस आइडिया बट नसरुद्दीन मैनेज टू कन्विंस हिम टू डू इट। नसरुद्दीन बोलता है, तेरे घर में डोंकी है ना, इसको भी अपने घर के अंदर रख दे। वो तो इंसान सोच में पड़ गया, क्या बोल रहा यार ये मुल्ला, पर नसरुद्दीन ने उसको मना लिया। हुआ क्या, नेक्स्ट डे द मैन केम टू नसरुद्दीन लुकिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड। उसने गधे को भी अपने घर में रख लिया था, डिस्ट्रेस मतलब बहुत परेशान था, एंड सेड, नाउ इट्स अ सिक्स ह्यूमंस, अब मेरे घर में 6 लोग हैं, 10 चिकन्स हैं और एक डोंकी है, इतने सारे लोग हैं इनसाइड माय हाउस, इट इज सो क्राउडेड दैट वन कैन हार्डली मूव। मुल्ला अब तो घर में हिलने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सो नसरुद्दीन रिप्लाइड, नसरुद्दीन ने आंसर दिया, You own a goat too, don't you? उसने बोला, तेरे पास एक बकरी भी है कि नहीं? उसने कहा, Yes, I do, मेरे पास है भाई। Great, नसरुद्दीन ने कहा, बहुत ही बढ़िया, Take it inside, वो भी तुम्हारे घर में रख दो। The man objected, मैन थोड़ा गुस्सा आया, How is that going to solve anything? यार ये goat को, donkey को मेरे घर में रखने से problem कैसे solve होगी? But नसरुद्दीन once again convinced him to do as he had said. फिर से एक बार नसरुद्दीन ने उसको मना लिया बकरी को अपने घर के अंदर रखने के लिए। द नेक्स्ट डे द मैन वॉक्ड अप टू द नसरुद्दीन इन अ स्टेट ऑफ एंगर। गुस्साया हुआ वो आदमी नसरुद्दीन के पास आ गया, एंड डिस्ट्रेस एंड सेड, योर प्लान हैज मेड आवर लाइव्स मिसरेबल। झंड बना दिए हमारी लाइफ को तुम्हारे प्लान ने, कैसी आइडिया दी है तुमने यार मुल्ला। द हाउस इज नाउ सो क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन ब्रीथ। घर तो इतना क्राउडेड हो गया कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। माई फैमिली इज अपसेट एंड everyone is complaining अबाउट lack ऑफ स्पेस। मेरे घर में सब लोग कंटाल चुके हैं और जगह ढूंढ रहे, कहाँ सोए, कहाँ खाए, कहाँ बैठे, जगह ही नहीं बच रही है। इतना सब ये भाई साहब ने मुल्ला को आके सुना दिया। अब मुल्ला बोलता है, डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, अपसेट होने की चिंता नहीं है। नसरुद्दीन बोलता है, Go back home and take all the animals back outside. जा घर जा, जितने animals को घर में डाला था वापस निकाल दे। The man did as he was told. जैसा मुल्ला ने कहा उस आदमी ने सब कुछ कर दिया। The next day, दूसरे ही दिन,
When the man came across Nasruddin, जब वो आदमी नसरुद्दीन को मिला, he was beaming. वो इतना खुश था और उसने कहा, I must thank you, मुल्ला, मुझे तुम्हें thank you कहना है. Your plan has worked wonders. तेरे प्लान ने तो चमत्कार कर दिया. Now that all the animals are outside, सारे animals करके बाहर है, there is enough space in the house. अब घर में तो बहुत सारी जगह हो गई. For all the family members, everyone is happy and content with the house now. अब सब लोग एकदम खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, इसे कहते हैं चतुर मुल्ला. मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी ही इतनी मस्त है ना. प्रॉब्लम लेकर क्या आया था वो इंसान के, मेरे घर में जगह नहीं है. तब भी पहले इतने ही लोग थे, 3 बच्चे, वो खुद, मतलब टोटल 6 लोग थे. मुल्ला ने ये किया, सारे एनिमल्स को घर में डाल दिया और तकलीफ में डाल दिया. लास्ट में उन सबको बाहर निकाल के उसको अच्छा लगा. रियली में आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ता है. अगर आप कंप्लेन ही करते रहोगे तो क्या होगा, फिर तो कोई आपको मुल्ला जैसा आदमी ही बचा सकता है. चलिए, एक्टिविटी 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. व्हाट डिड मुल्लास ब्रदर इन लॉ आस्क, हाउ डिड मुन्ना रिप्लाई. मुन्ना के ब्रदर इन लॉ ने क्या पूछा और उसने, मुन्ना ने क्या रिप्लाई दिया. सो मुल्लास ब्रदर इन लॉ आस्क्ड हिम इफ ही कुड लेंड हिम 300 रुपीज. मुल्ला ने क्या मांगा था, 300 रुपए मांगे थे. तो मुल्ला का रिप्लाई था, मुल्ला सेड दैट ही वॉज अ स्लीप, वो सो रहा है, बाद में आना. वाई वॉज मुल्लास नेबर सैड, उसका नेबर मतलब पड़ोसी क्यों सैड था. मुल्लास नेबर वॉज सैड बिकॉज ही लिव विद हिज बिग फैमिली इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में बड़ी फैमिली के साथ रह रहा था. देर वॉज अ वेरी लिटिल स्पेस टू मूव अराउंड, और उसके घर के अंदर जगह ही नहीं थी, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान था. क्वेश्चन नंबर 3, वॉट वॉज मुल्लास एडवाइस टू हिज नेबर, मुल्ला की एडवाइस क्या थी. मुल्लास एडवाइस हिज नेबर टू टेक हिज चिकन्स, हिज डोंकी एंड हिज गोट इन साइड द हाउस. ये तेरे घर पे जो चिकन्स हैं, डोंकी और गोट है, सबको अपने घर में डाल दे. यही थी ना उसकी एडवाइस, तभी तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मुल्ला सॉल्व हिज नेबरर्स प्रॉब्लम, मुल्ला ने आखिर में कैसे सॉल्व किया. व्हेन द नेबर टुक ऑल द एनिमल्स इनसाइड द हाउस, देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट एट ऑल, बराबर है. देन मुल्ला आस्क्ड हिम टू टेक देम बैक आउटसाइड द हाउस, पहले डलवाया घर के अंदर, फिर सबको निकलवाया. फिर नेबर को पता चला कि अब तो बहुत सारी स्पेस है घर के अंदर. आइए चलिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी है. Here is a phrase. Phrase मतलब a group of words. हमें यहाँ पर apostrophe s का use करना है. ये English grammar topic है. The ring of the emperor को हम लिख सकते हैं the emperor's ring. वैसे ही हमें ये चारों लिखने हैं. The idea of Birbal को हम लिख सकते हैं Birbal's idea. दोनों का मतलब same है. Number 2, the advice of the courtier. So लिख सकते हैं courtier's advice. The palace of the king की जगह पर लिख सकते हैं the king's palace. And the last, the den of the lion की जगह हम लिख सकते हैं the lion's den. Easy था ना बच्चों, आप ऐसे कई सारे लिख सकते हैं, याद रखना ये आपको कभी भी आगे काम आ सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Listen and repeat the following pairs after your teacher. Actually है क्या, इसको पढ़ना है. थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर listen and repeat. जैसे कि pan, pain, wet, wait, fell, fail, sell, sail, tell, tail, pull, pull, call, cool, bed, bad, mope, mope, best, beast, ship, ship, live, leave. कुछ लोग इसको leave leave भी कहते हैं, but it's live. Okay, next. Activity 7. Recite the sounds. Actually ये sounds है, thunder, booms, जो आवाज़ें तो गड़गड़ाहट बादल की, thunder उसे booms कहते हैं. जब plates खड़खड़ करती है तो the plate clatters. जब phone ring करता है तो a phone rings. Horn blow करता है तो horn blows. A lion roar करता है तो a lion roars. Donkey bray करता है तो a donkey brays. Sheep bleat करता है तो a sheep bleats. Dog barking करता है तो a dog barks. कैट म्याओ करती है तो अ कैट म्याउस. अ हॉर्स नाई करता है, नाई. इसके बाद स्पैरो, स्पैरो करते है चिरपिंग तो अ स्पैरो चिरप्स. कॉक क्रो क्रो करता है तो अ कॉक क्रोस. अ स्नेक हिस. अ मंकी चैटर्स. अ माउस स्क्वैक्स. अ बेयर ग्रोल्स. एन आउल हूट्स. ए काउ मूज. एंड लास्ट में एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स करता है. तो ये सारे जो वर्ड्स थे, एनिमल साउंड्स थे, जो आपको याद रखने, आपको कभी भी काम आ सकते हैं.
आइए चले एक्टिविटी 8 करते हैं। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बच्चों, हु एम आई। आपको पहचानना है, आपको एक पजल दे दिया गया है, आई गिव वुल, तो वुल कौन देता है? शिप। तो इन लोगों ने ऑलरेडी शिप लिख दिया है। सो दूसरा है आई ले एग्स, एग्स कौन देगा? सो यहां पर हैन कहां है? ये रही। सो ये रही हैन, और मैंने इसका स्पेलिंग एच ई एन लिख दिया है, जो हमें क्या देगा? अंडे। ठीक है, नेक्स्ट है आई गिव यू मिल्क, मिल्क कौन देगा? काउ। सो यहां पर लिखा मैंने सी ओ डब्ल्यू, काउ। आई कैरी लोड्स, लोड्स ये एनिमल उठाता है, देख लीजिए। सो ये कौन है? डोंकी नंबर 4 पे, डी ओ एन के ई वाई। नेक्स्ट आई नाई, नाई मतलब अभी आगे हमने बात की, ये घोड़ा मतलब कि हॉर्स करता है। सो वेर इज हॉर्स? ओके, ये नंबर 5 पे, एच ओ आर आई सी, हॉर्स। नंबर 6 पे है आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैन का सबसे बेस्ट फ्रेंड है डॉग। सो लिख दीजिए डॉग नंबर 6 पे यहां पर। नंबर 7 आई लिव इन स्टाई, स्टाई में कौन रहता है? पिग रहता है। सो पी आई जी, पिग लिख दीजिए नंबर 7 पे। आई ब्लीट, अभी हमने आगे बात की थी, ब्लीट कौन करता है? गोट करती है ब्लीट, जी ओ ए टी, गोट लिख दिया मैंने यहां पर नंबर 8 में। और नंबर 9 और लास्ट शीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। इजी था और मजेदार एक्टिविटी थी। आगे बात करते हैं नंबर 9 में बच्चों, बुक को कवर चढ़ाना, ये एक्टिविटी 9। अब ये क्या बताएं हम आपको, खुद ही कर सकते हैं आप। और लास्ट में एक्टिविटी 10, फाइंड अ फनी स्टोरी अबाउट मुल्ला एंड बिरबल और तेनाली रामन। यूट्यूब पे जाइए, या तो मुल्ला बिरबल या तेनाली रामन की कोई स्टोरी को सुनिए, और फिर अपने क्लास के आगे आके सुनाइए अपने ही अंदाज में। तो बच्चों आज की स्टोरी और बोले तो चैप्टर नंबर 9 मुल्ला नसरुद्दीन यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो गुड बाय कहने का टाइम, पर बिफोर दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।